इंतजार करान ईदस मज वोल मसलात आन हकान वल दरबार बार असल मौके मसलात मंच पर हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल साहब ऐसे हमारे मकबूल साहब हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्री अशोक भट्ट साहब हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के प्रभारी देखिए ये एक स्लम कॉलोनी है, यहाँ सब लोग जो है ये छोटा काम करने वाले लोग हैं। ऐसे इनकी बहुत सारी मुश्किलात है। पहले तो ये मुश्किलात उन्होंने बताई कि भाई हमारी कॉलोनी में रेगुलराइज नहीं है, तो हम म्यूनसिपलिटी से बातचीत करेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे। अगर इन कॉलोनीज़ में कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होगी तो मॉडिफिकेशन करके इनको रेगुलराइज किया जाए। दूसरा, हमने इनको बताया कि भाई जो सरकार ने घोषणा की है हमारे एलजी साहब ने कि 5 मरले ज़मीन, जिसके पास ज़मीन नहीं है और वो पीएमएवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका मकान रुका है इस कारण से कि उसको वो नहीं है, तो हमने इनको वादा किया है कि एलजी साहब ने घोषणा की है, एलजी साहब ने अनाउंसमेंट की है, तो 5 मरले ज़मीन, जिसके पास ज़मीन नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना मकान बनाना चाहता है, तो वो 5 मरले उसको दिए जाएंगे। और तीसरी बात जो है, विशेषकर राशन के बारे में इन्होंने बताया, और राशन का भी मसला हल हो गया है। 10 किलो राशन ये सरकार ने कहा है कि हम 10 किलो राशन हर राशन कार्ड को एक्स्ट्रा देंगे, उसकी लिमिट है 35 किलो। 35 किलो के नीचे जिनको होगा, किसी को 25 किलो होंगे उसको 10 किलो और मिलेगा 35 होगगा, किसी को 20 मिल होगा उसको 10 मिलेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 किलो राशन हर राशन कार्ड को, 35 किलो राशन जिसका कम है उसको 10 किलो राशन मिलेगा, ऐसा सारी बात हमने कही है। बड़ी संख्या में ये लोग आए थे, इन्होंने हमारी बात सुनी और इनकी जो तकलीफात थे ये तकलीफात भी हमने इनके सुने हैं और हम इनका पूरा जो है उसको करेंगे। देखिए ऐसा कुछ इसमें से कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्मार्ट मीटर के कारण इनकी कोई रेट बढ़ी है, रेट तो कम होनी चाहिए, वो देखेंगे अगर उसमें कोई अनोमली है उसको ठीक करें। डिमांड है कि भाई हमको कुछ नहीं देना है, कोई फ्लैट रेट की बात, फ्लैट रेट तो ज़्यादा पड़ेगा, फ्लैट रेट से इनको कम पड़ेगा जब स्मार्ट मीटर लगेगा, स्मार्ट मीटर जितना इस्तेमाल किया उतना लगेगा। नहीं, उसमें कोई रास्ता निकाल लेंगे, उसमें कोई रास्ता निकाल लेंगे, उस रास्ते को हम पूरा करेंगे।